भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में सिर पर सत्ता का नशा किस कदर हावी है, इसकी बानगी गढ़ा थाना अंतर्गत त्रिपुरी चौक में उस समय देखने को मिली जब हाईकोर्ट के आदेश के बाद आरटीओ विभाग ऑटो की धमा चौकड़ी पर सख्ती से कार्रवाई कर रहा था। इस दौरान आरटीओ अधिकारी द्वारा वह ऑटो जिनका परमिट और कागजात मौजूद नहीं थे उन्हें जब्त भी किया गया। इस दौरान उन्होंने वीरेंद्रपुरी वार्ड के पार्षद राहुल साहू के किसी खास का ऑटो भी जब्त कर लिया, जिसकी जानकारी लगने पर भाजपा पार्षद राहुल साहू मौके पर पहुंचे और आरटीओ अधिकारी गजेंद्र साहू से जमकर गाली गलौज करते हुए अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे। इस बीच आरटीओ अधिकारी राजेंद्र साहू द्वारा नियमों का हवाला देते हुए वाहन छोड़ने से मना कर दिया गया, जिसके बाद पार्षद ने अपनी नैतिकता का चोला उतार फेंका और जांच अधिकारी से उलझ पड़ा। पार्षद राहुल साहू इतने में न रुका, उसने आरटीओ अधिकारी के साथ धक्का मुक्की करनी भी शुरू कर दी। विवाद बढ़ता देखकर पुलिस और पार्षद दोनों थाने पहुंचे, जिसके बाद देर रात तक हंगामे की स्थिति होती रही। वहीं आरटीओ अधिकारी राजेंद्र साहू ने अपने साथ ड्यूटी के दौरान की गई पार्षद की अभद्रता की लिखित शिकायत की है। साथ ही पुलिस ने साक्षी के रूप में मौके से पार्षद की जा रही अभद्रता का वीडियो भी बनाते हुए अपने उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी दे दी है, जिसके बाद यह माना जा रहा है कि पार्षद के ऊपर शासकीय कार्य में व्यवधान डालने का मामला दर्ज हो सकता है। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेश अनुसार लगभग पिछले 3-4 दिनों से हमारी ऑटो जांच कार्रवाई चल रही है। इसी दरमियान मैं ऑटो जांच के लिए अपने आरटीओ परिवहन कार्यालय जबलपुर के स्टाफ को लेकर गढ़ा थाना क्षेत्र में गया। इस दौरान लगभग दोपहर के 12 बजे मैंने वहाँ 3 ऑटो जो जिनके दस्तावेज मौके पर नहीं थे उन्हें संबंधित थाना गढ़ा थाना में बंद किया हूँ। इस दौरान राहुल साहू नामक एक व्यक्ति आया, जिसने जो 20 सड़क में जो है मुझे स्टाफ सहित घेर लिया मेरी गाड़ी को और जो है धमकी देने लगा, अभद्र भाषा का प्रयोग किया तथा उसने अन्य अनावश्यक बातें की और दूसरे आरोप लगाए। हालांकि मैंने उसको सिद्ध करने के लिए बोला, जिसमें वो कुछ जवाब नहीं दे पाया, जिसकी लिखित शिकायत मैंने संबंधित थाना गढ़ा थाना में किया हूँ और अपने विभाग में भी उसकी शिकायत किया हूँ। मुझे इस चीज़ की जानकारी नहीं है। आपने इसकी शिकायत कर दी? जी, मैंने संबंधित थाना में और अपने विभाग में भी इसकी जानकारी दी है।